पहला टैकल सचिन तंवर को स्पोर्ट्स 4x4 ग्राउंड नंबर 2 पर कौन सी टीम नहीं पहुंची है जी? हैरी आ गई जी, हैरी नहीं आई है। हैरी जज्जर को सैक्रिफाइस किया जाएगा भाई, एक मिनट का और समय दिया जा रहा है। दूसरी टीम आपका इंतजार कर रही है ग्राउंड में। आपका इंतजार कर रही है। कृपया जल्दी पहुंचे ग्राउंड नंबर 2 पर जज्जर, अन्यथा फिर सेक्रेट किया जाएगा, अगला मैच लिया जाएगा। अगले मैच के लिए चमारिया स्कूल वर्सेज लिनोसी की टीम तैयार रहे। चमारिया स्कूल वर्सेज लिनोसी की टीमें भी तैयार रहे। उसके अगला मैच है निजामपुर वर्सेज राजरीफ दिल्ली। निजामपुर वर्सेज राजरीफ दिल्ली, ये भी टीमें तैयार रहे। क्योंकि समय का अभाव है, कुश्तियों का दंगल भी होना है। राजीव गांधी स्टेडियम रोहतक वर्सेज आदमपुर, ग्राउंड नंबर 1 पर मैच दोनों टीमों का चलता हुआ और आज के सभी मैचों का लाइव प्रसारण हुआ है। स्पोर्ट्स 4x4 पर अभी भी चल रहा है लाइव, अभी भी चल रहा है। बहुत बढ़िया मैच, अच्छा प्रदर्शन खिलाड़ियों के द्वारा। अहरी जज्जर अभी भी दिखाई नहीं दे रही है। अहरी जज्जर जबकि जोगिंदर अकेडमी रोहतक ग्राउंड में पहुंच चुकी है। अहरी जज्जर अभी तक टीम नहीं आई है, लास्ट वार्निंग दी जाती है अहरी जज्जर को। यदि वो खेलना चाहते हैं तो एक मिनट में ग्राउंड में पहुंचे। अहरी जज्जर अगला मैच है चमारिया स्कूल वर्सेज लिनोसी, उसके आगे है निजामपुर वर्सेज राजरीफ दिल्ली। ये तैयार है आमिर जो भी खाली अभी तक नहीं पहुंची है। ड्रोन आ गया। अहरी जज्जर को सब जहां कहीं भी है जल्दी से ग्राउंड में पहुंचे। अहरी जज्जर की टीम जोगिंदर
अंडर एकेडमी रोहतक ग्राउंड में डटी हुई है, जबकि अहरी जज्जर टीम कहीं नजर नहीं आ रही है। बहुत समय से अनाउंस किया जा रहा है, हमें मजबूरन डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको सेपरेट किया जाएगा। फिर अहरी जज्जर जोगिंदर एकेडमी रोहतक ग्राउंड नंबर 2 पर डटी हुई है, जबकि दूसरी टीम अहरी जज्जर अभी तक नहीं पहुंची है। अहरी जज्जर को सेक्रेट किया जा रहा है, अहरी जज्जर को कहा आलिया एक घंटे से अनाउंस हो रही है यहाँ पे, अहरी जज्जर को सेक्रेट किया जा रहा है। निजामपुर वर्सेस राजरीफ दिल्ली, ये टीमें तैयार है, समय का अभाव है। स्कोर बताइए 12-7 आदमपुर 12-7 सत बरोदा है। ग्राउंड नंबर 1 पर राजीव गांधी स्टेडियम रोहतक वर्सेस आदमपुर का मैच चलता हुआ, 2 पर जोगिंदर अकेडमी रोहतक वर्सेस अहरी जज्जर का मैच शुरू हो चुका है। इसके बाद कोर्ट नंबर 1 पर चमारिया स्कूल वर्सेस मिलोटी की टीम पहुंचे, ग्राउंड नंबर 1 पर चमारिया स्कूल वर्सेस मिलोटी की टीमें तैयार रहे ग्राउंड नंबर 1 के लिए। ग्राउंड नंबर 2 के लिए निजामपुर वर्सेस राजरीफ दिल्ली, ये टीमें तैयार रहे। आज सभी मैचों का लाइव प्रसारण
जारी है और पहली बार इस मेले में मैट पर कबड्डी खेली जा रही है। उदेला के युवाओं ने 110 दिनों से मेहनत की है इस ग्राउंड को तैयार करने के लिए, मेले के ग्राउंड को तैयार करने के लिए। बहुत बढ़िया डीपी सर की डिसीजन मेकिंग पावर। अगला मैच ग्राउंड नंबर 1 पर हमारे स्कोर वर्सेज नीलों से दोनों टीमें तैयार रहे। बहुत बढ़िया मैच दोनों ग्राउंड पर, बहुत ही अव्वल दर्जे के मैच और सभी का लाइव प्रसारण कोर्ट 4x4 पर। बहुत ही अच्छा मैच खेलते हुए, बहुत ही श्रेष्ठ कबड्डी खेलते हुए उस कोटी का प्रदर्शन सभी खिलाड़ियों के द्वारा। थोड़ा पीछे होना सर थोड़े साइड होना। के ऊपर नेशनल प्रो कबड्डी ये गेम
बहुत बढ़िया। ग्राउंड नंबर एक के लिए चमारिया स्कूल वर्सेज नीलोसी की टीम पहुंच गए। चमारिया स्कूल वर्सेज नीलोसी के खिलाड़ी जहां कहीं भी है वो तो जल्दी से पहुंचे। ग्राउंड नंबर दो के लिए निजामपुर वर्सेज राजगढ़ दिल्ली ये तैयार है। ग्राउंड नंबर एक पर तुम्हारिया स्कूल वर्सेज नीलोसी दोनों टीमें पहुंच जाएं। ग्राउंड नंबर एक पर दोनों टीमें पहुंच जाएं। तुम्हारिया स्कूल वर्सेज नीलोसी चलता हुआ और एक बार मैच के अंतिम क्षण चलते हुए अगली टीम ग्राउंड एक के लिए तैयार रही है। चमारिया स्कूल वर्सेज नीलोसी की टीम तैयार रही है। बहुत बढ़िया मैच प्रदर्शन बिल्कुल सेफ कबड्डी खेलते हुए सभी खिलाड़ी। ग्राउंड
नंबर एक पर अगला मैच है चमारिया सूद वर्सेज लीनो की पहुंचे केवल एक मिनट से बची है इस मैच के। चमारिया सूद वर्सेज लीनो की टीम में तुरंत पहुंचे 16:32 चमारिया स्कूल वर्सेज नीलोटी की टीमें तुरंत ग्राउंड नंबर एक पर पहुंचे। ग्राउंड नंबर एक पर चमारिया स्कूल वर्सेज नीलोटी दोनों टीमें पहुंच जाए। खिलाड़ी बहस ना करे तो तीन तीन डीपी खड़े हुए आपके ग्राउंड में। चमारिया स्कूल वर्सेज नीलोटी की टीमें ग्राउंड नंबर एक पर पहुंचे। छोटे मिला चमारिया स्कूल वर्सेज नीलोटी टीम ग्राउंड नंबर एक पर पहुंचे। मैच समाप्त हो चुका है। मैच समाप्त हो चुका है। ध्यान दें हमारा सहयोग करें इसलिए आप